हमें सनम बताएगी कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सनम के दस्तखत, लाह दस्तखत तो मिट गए। इतनी बड़ी लापरवाही तुम दोनों कैसे कर सकते हो? अब इसमें कौन सी बड़ी बात, हम वकील साहब को बोल के नए पेपर्स बनवा लेंगे। कोई बात नहीं, जहां इतना इंतजार किया है थोड़ा और सही है ना। तुम आराम करो। लगता है इस चीटी के पर निकल आए। इससे पहले कि हमारे सर पर मंडराना शुरू करे, हमें इसके पर काटने होंगे। अरे सनम बेटा जी? एक बात तो बताना भूल ही गए, वो हमने शिमला के एक बहुत अच्छे से हॉस्पिटल में तुम्हारी बड़ी अम्मी के इलाज के लिए सारा इंतजाम कर दिया है। शिमला? बेगम साहिबा वो तो बहुत दूर है, इतनी दूर बड़ी अम्मी को भेजने की क्या जरूरत है? वहां उनका ख्याल कौन रखेगा? क्यों, अभी तक हमने उनका ख्याल नहीं रखा क्या? देखो बेटा, हमारा यकीन कर, एक बार वो वहां चली जाएंगी ना तो तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गणपति की आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, ये लीजिए हमारी तरफ से। धन्यवाद बेगम साहिबा, हमारे मोहल्ले में हर मजहब के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं और ऐसा सिर्फ आप जैसे लोगों के वजह से ही मुमकिन हो पाता है। या अल्लाह, इस साकिया कंबख्त यहाँ कहाँ आ गई? इसने तो मेरे ठाट देखे हैं, मेरे ऐशो आराम देखे हैं। हर दूसरे दिन तो मैं इसके साथ गहने लेने जाया करती थी। मुझे इस हाल में अगर इसने देख लिया तो क्या होगा? ए सुन, क्या लेके आ? अरे तो ये कौन सा नया है? इस हवेली में तो ये बरसों से चला आ रहा है। अब मेरे शौहर सिद्दीकी साहब खैरात बांटने में पीछे नहीं रहते थे, बड़े ही नेक इंसान थे वो। रजिया, अब किसको याद है आप कभी यहाँ रहा भी करती थी? ये रजिया बीबी ना जाने कौन से जमाने की बात करती। जमाना तो सच में बदल गया है तनवीर बेगम। एक वक्त था जब रजिया इस हवेली की मालकिन हुआ करती थी और आज इस घर की नौकरानी है। हाँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि रस्सी जल जाती है लेकिन उसकी ऐश कभी कम नहीं होती। ये तो हम हैं जो इन्हें झेल रहे हैं, वरना आप लोगों ने कहीं देखा है ऐसा नौकर जो मालिक के बगल में ही बैठा? एक बात कह देते हैं रजिया, जब तक हम ना कहें हमारे सोफे में और हमारे बगल में बैठने की हिम्मत न करिए। और अब हमें घूरना बंद करिए और मेहमानों को चाय सर्व करिए। हाँ, एक और बात, हम लोगों के लिए कुछ इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, जैसे बेस्ट कपल इन भोपाल। हम चाहते हैं कि इस घर से भी कोई इसमें शामिल हो। हमारे घर से? लेकिन हमारे घर में ऐसा कौन है जो
क्यों? अरे आहिल और सनम है ना बेगम साहिबा? रजिया भी, हमें नहीं लगता कि आहिल को पसंद आएगा ये सब, वो पार्टिसिपेट करना चाहेगा इसमें। अरे नहीं नहीं बेगम साहिबा, वैसे भी उन दोनों का निकाह इतनी जल्दबाजी में हुआ कि लोग अक्सर बातें करते हैं कि उनका निकाह हुआ भी है या नहीं। अगर वो जीत कर बेस्ट कपल बन जाए तो अपने आप ही लोगों के जुबान पे ताला लग जाएगा। शायद आप ठीक कह रही हैं। हम बात करेंगे आहिल से। ठीक है। क्या कर रही हो तुम? अगर हाथ में दर्द हो रहा है तो मैसेज करना जरूरी है क्या? लाइए हाथ दीजिए, मैं पट्टी चेंज करके दवा लगा देती हूँ। कोई जरूरत नहीं, इट्स ओके। मैं कह रहा हूँ ना, आप 2 मिनट के लिए भी आराम से नहीं बैठ सकते हैं क्या? हर वक्त कुछ ना कुछ कहना जरूरी है। चुपचाप बैठे रहिए। साइन करते वक्त तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे थे? ऐसा कुछ नहीं है। तुम जानते हो ना कि मुझे झूठ से सख्त नफरत है। और मुझे ऐसे बेतु के सवाल पसंद नहीं है। सवाल भले ही बेतुका, लेकिन जब मैं सवाल करता हूं मुझे उसका जवाब भी चाहिए। और जब मैं जवाब ना देना चाहूं तो सवाल चाहे जिसने किया हो, मैं जवाब नहीं देती। आप मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। आहिल बेटा, अम्मी। आहिल बेटा, वो आज मोहल्ले की कुछ औरतें आई थी, गणपति आ रहे हैं ना, उसी के लिए बुलाने, हम सबको बुलाया है। एक बात और कहनी थी, हमने बिना पूछे तुम दोनों का नाम दे दिया है बेस्ट कपल ऑफ भोपाल कंपटीशन के लिए। कंपटीशन अम्मी? हाँ। कंपटीशन अच्छा हो या बुरा, दिल में थोड़ी खटास तो ले ही आता है। बहुत जहती बन रही थी ना इस कंपटीशन में, 4 दिन ताल में ताल मिलाकर तो देखो, सारी मोहब्बत झगड़े में ना बदल गई तो हमारा नाम भी तनवीर नहीं। सच कहें आयल बेटा, तो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि तुम दोनों इन फिजूल की बातों में दिलचस्पी लो। लेकिन क्या करें बेटा, मोहल्ले की बात है ना, तो हमने इसीलिए तुम दोनों का नाम दे दिया। अगर तुम दोनों पार्टिसिपेट नहीं करोगे ना तो लोगों को लगेगा कि बेगम साहिबा के बेटे और बहू के बीच में जरूर कोई अनबन है। और जो नजरें आज तक हवेली के सामने अदब से झुकती थी, वही नजरें ताक झाक करने लगेंगी।
घर की बात ना गली तक पहुंच जाएगी, और एक बार सारी बातें गली तक पहुंच गई ना तो घर की इज्जत नीलाम होते हुए देर नहीं लगती बेटा। इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम दोनों इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करो। आज शाम को ही पहला राउंड है, तो तुम दोनों तैयार हो जाओ। बेस्ट ऑफ लक। सनम, हेलो सनम, रेहान, रेहान मैं सोच ही रही थी कि आपको फोन करूं, आप एकदम से ऐसे कैसे चले गए घर से? हेलो रेहान, आप मुझे सुन रहे हैं ना? मुझे लतीफ ने बताया था कि आप कोई होटल कोहिनूर के सिलसिले में गए हैं, लेकिन अचानक आपने वहां जाने का मन कैसे बना लिया? हेलो सनम, सनम हम किस्मत के हाथों मजबूर होते हैं, और वो हमें जहां ले जाती है हमें वहीं जाना होता है। खैर मैं तुमसे बाद में बात करता हूं, मुझे जाना होगा। और हाँ आहिल भाई को मत बताना कि तुमने मुझसे बात की थी। जी, खुदा हाफिज। अगर फोन की टाइम पास खत्म हो गई हो तो कंपटीशन पे ध्यान दे। अच्छा देखो, पहला राउंड है कंपैटिबिलिटी राउंड। यू नो व्हाट्स कंपैटिबिलिटी? मतलब हम एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं, हमारी पसंद नापसंद एंड ऑल द जैज। फिर तो हम पक्का हार जाएंगे। तुमने कुछ कहा? कुछ नहीं। तो फिर तुम पॉजिटिव क्यों नहीं सोच सकती हो? ये कॉम्पिटिशन हम नहीं हारेंगे। यू नो व्हाई? बिकॉज़ आई नो द ट्रिक। बिकॉज़ मैं बताऊंगा ये कैसे करना है। नाउ लिसन टू मी, हम एक दूसरे को सवाल पूछेंगे हमारे लाइक्स डिसलाइक्स के बारे में, हमारी पसंद नापसंद, और कुछ तुम अपने बारे में बताना, कुछ मैं अपने बारे में बताऊंगा। So we'll know each other better, all right? बताओ कुछ तुम्हारे बारे में, तुम्हें क्या अच्छा लगता है क्या नहीं? ठीक है, पहले मैं आपको बताती हूँ, फिर मैं आपसे पूछूंगी तो आप मुझे बताइएगा। Absolutely, shoot. अल्लाह, प्यार से दोनों एक दूसरे की पसंद नापसंद जानने की कोशिश कर रहे हैं बेगम साहिबा। देख लेना, इंशाअल्लाह ये मुकाबला खत्म होते ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। मैं तो हुई छुई मुई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस कॉम्पिटिशन से तो इनमें दूरियां बढ़नी चाहिए। हमें कुछ करना होगा। लतीफ जी, तुम जाओ। ठीक है। अरे तुम दोनों ने तो इस कंपटीशन को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है। लेकिन बेगम साहिबा,
आप ही ने तो कहा था कि हम दोनों को इस कंपटीशन में हिस्सा लेना है। हाँ, हिस्सा लेने के लिए कहा था। ये तो नहीं कहा था कि तुम इसे जीतने के बारे में सोचने लगो। अरे जीतना तो दूर, अगर तुम दोनों ये पहला राउंड भी क्रॉस कर लो ना तो भी हमें बहुत ताज्जुब होगा। हमें तो नहीं लगता कि तुम दोनों बेस्ट कपल बन सकते हैं। खैर छोड़ो इन सब बातों को। देखो आहिल बेटा, हम तो बस इतना चाहते हैं कि तुम दोनों इस कंपटीशन में हिस्सा लो ताकि उन औरतों का मुंह बंद हो जाए जो हमारे पीठ पीछे इतनी सारी बातें करती। ऐसे करो, तैयारियां कर लो, अल्लाह जाने कुछ भी हो जाए। सच में अम्मी, सनम मुझसे अलग है, बिल्कुल अलग है, फिर भी वो मुझे मेरे जैसे क्यों लगती है? मैं जब उसके साथ होता हूं तो सब कुछ ठीक क्यों लगता है? क्यों उसे रेहान के साथ देखकर मेरे या अल्लाह, क्या फायदा बड़ी गाड़ी का, ना एसी ऑन है ना म्यूजिक। ये रेडियो एसी चालू हुआ? हेलो, कहाँ हूँ मैं? राकेश! अल्लाह का शुक्र है, बड़ी अम्मी आप सलामत हैं। बड़ी अम्मी, आप किसी बात की चिंता ना करें, मैं हम सब संभाल लूंगी, सब। आप बस जल्दी से ठीक हो जाओ बस। और सनम, उसके घर वाले ना बहुत अच्छे हैं, बहुत। और वो बेगम साहिबा, वो सनम का बहुत ख्याल रखती है। बड़ी बेगम ही तो है जो आपको बहुत बड़े अस्पताल भेज रही है। हम आपकी पोती सनम का हाथ मांगना चाहते हैं। आहिल के लिए, आहिल के लिए। खुदा हाफिज। अल्लाह के लिए मुझे कहीं मत भेजो, मैं मर जाऊंगी, वो मुझे मार डालेगी।
अल्लाह के लिए मुझे कहीं मत भेजो, कहीं मत भेजो। परी अम्मी, एक मिनट। लिखकर मुझे बताइए। तनवीर, खतरा, तनवीर खतरा।